गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे पादपों में श्वसन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं मानव में श्वसन और उसके बाद हमने पढ़ा था श्वसन तंत्र। जिस प्रकार से मानव में क्या होता है श्वसन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र में क्या होता है, आंख हो गई, हमारे फेफड़े हो गए, उसके बाद हमारी कुपिकाएं हो गए, तो पौधों में इस प्रकार का कोई श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता। पहली बात क्या है, पौधों में कोई श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है। तो जब पौधों में श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता तो श्वसन होता नहीं था। श्वसन का पहला स्टेप हमें पता है क्या है, गैसों का आदान प्रदान। तो गैसों का आदान प्रदान किस तरह से होता है पौधों में, पहली बात तो ये है, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि पादपों में श्वसन नहीं होता है। पादपों में भी श्वसन होता है, अगर पादपों में श्वसन नहीं होगा तो उन्हें एनर्जी कैसे मिलेगी। हम श्वसन का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि श्वसन का मेन काम क्या होता है, ऊर्जा बनाना, जिससे कि प्रत्येक जीव जंतु क्या करते हैं, अपने शारीरिक क्रियाओं को करते हैं। लेकिन कुछ लोग बच्चों में बेसिकली ये होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि पादपों में श्वसन नहीं होता है, वो ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन ये गलत है। पादपों में ही श्वसन होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ विखंडन होता है जिससे एनर्जी मिलती है। बस ये होता है कि पादों में श्वसन तंत्र नहीं होता है। पहली बात यह है कि इनमें क्या होता है, श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है, तंत्र नहीं होता है। अब बात यह जो श्वसन तंत्र नहीं होता है तो श्वसन होता क्या है, श्वसन का पहला जो स्टेप है वो पता है हमें, वो क्या है, गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान, अब जो श्वसन तंत्र नहीं है तो गैसों का आदान प्रदान होता है कैसा है। जिस तरह से मनुष्य जीव जंतु में क्या होता है श्वसन तंत्र होता है, उसी प्रकार से पौधों में श्वसन तंत्र ना होके उनकी जो पूरी बॉडी होती है उनमें अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइप से कुछ संरचनाएं होती हैं जो उनके श्वसन में काम होते हैं, यानी कि उनकी पूरी बॉडी में क्या होता है श्वसन का कार्य होता है। जैसे सबसे पहला जो आता है इसमें वो आते हैं रंध्र, पहला जो आता है वो आते हैं रंध्र यानी स्टोमेटा। ये रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, ये रंध्र जो पौधे का जितना भी हरा भाग होता है, ग्रीन एरिया है, उसमें क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, यानी कि पौधे के हरे भाग में। जैसे कि ये पत्ती है माना, तो इस पत्ती के सरफेस पे क्या है, कुछ इस तरह से छोटी छोटी सी क्या होती है, संरचनाएं होती है, और इस संरचनाओं के थ्रू ही उनमें क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान। माना इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो ये वायुमंडल से इस रंध्र के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, अगर इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है तो इस रंध्र से कार्बन ऑक्सीजन को छोड़ना है तो ऑक्सीजन को इस रंध्र से छोड़ेंगे। इसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से अपनी बीमारी इस तरह से इन रंध्रों की कुछ संरचना होती है। तो पहला पता चल गया, पहले पौधे में श्वसन किसके थ्रू होता है, पौधे के जो हरे भाग है उनमें रंध्र होते हैं, रंध्र के थ्रू में श्वसन होता है। और दूसरा जो संरचना पाई जाती है वो पाई जाती है, उसे बोलते हैं वार रंध्र। अब ये क्या हुआ, इंग्लिश में से कहते हैं लेंटिकल, लेंटिकल ये जो होते हैं ये पाए कहा जाते हैं, जो पौधे का कास्टिल भाग होता है, कास्टिल या कास्टीय भाग होता है, कास्टिल तना, कास्टिल तना या एवं शाखा में पाया जाता है, एवं शाखा, काष्ठ तना और शाखा में, जो पौधे का कठोर भाग होता है उसमें क्या होता है, कुछ संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें वार रंध्र कहा जाता है, और उनके थ्रू उनमें गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे कि आपने कोई तना देखा होगा, कठोर तना, तो उसमें आप देखोगे तो मानो ये तना है, तो इसमें कुछ इस तरह की हमें व्हाइट व्हाइट से कुछ दूसरे रंग की इस तरह की कुछ हमें संरचनाएं दिखाई देती है। इन संरचनाओं को ही क्या कहा जाता है, वार रंध्र कहा जाता है। और ऐसे एरिया पे जहाँ पे पाए जाते हैं तने को, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन देने लेने यानी गैसों के एक्सचेंज का काम करते हैं। जैसे कि आप एप्पल देखोगे तो एप्पल की संरचना माना है, इस तरह से आपके पास एप्पल है, तो इस पे क्या होता है, व्हाइट कलर की कुछ इस तरह से छोटे छोटे से हमें संरचनाएं देखने को मिलती है। वो जो संरचनाएं होती है वो क्या होती है, वातरंध्र होते हैं, वहां पे जो होती है उन्हें जो एप्पल है, एप्पल में क्या करती है, ऑक्सीजन देने लेने या गैसों के आदान प्रदान में हेल्प करती है, श्वसन में हेल्प करती है। तो दो ही संरचना हुई, तीसरी संरचना है उसे बोलते हैं मूल रोम यानी रूट हेयर। रूट हेयर ये क्या होती है, रूट हेयर कहाँ पाए जाते हैं, जो यंग रूट्स होती है उनमें पाए।
पाई जाती है। पहले पाई क्या करती है, जो नई जड़े होती है, जैसे कि ये हम देखते हैं, जैसे मूली ले लो, मूली या गाजर ले लो, कुछ इस तरह से होती है, कुछ इस तरह की संरचना होती है। हम देखते हैं कि इसकी इसमें क्या होती है, बारीक बारीक से इस तरह से बहुत सारी बड़ी बारी 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 सी कहते हैं जड़े दिखाई देती है। ये जो बारीक बारीक सी जड़े हैं, इन्हें ही क्या कहा जाता है, मूल रोम कहा जाता है। इनके कार्य क्या होता है, ये जो होते हैं इसके आसपास जो क्या होते हैं मिट्टी के कण होते हैं, इन मिट्टी के कणों के बीच में जो ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन को ये ग्रहण करते हैं। इस तरह से मूली में क्या होता है, या जो जड़ होती है उनमें क्या होता है, श्वसन होता है। तो आप यहाँ पे इतनी बात समझ चुके हैं कि पौधों में श्वसन कैसा होता है। पौधों में कोई पर्टिकुलर श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता जैसे मनुष्य में होता है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी पे क्या होता है, अलग अलग प्रकार की कुछ रचनाएं होती है जिनके थ्रू वो अपना श्वसन का कार्य कम्प्लीट करता है। जैसे हरे भाग में रंध्र हो गया, जो कास्टिंग एरिया कठोर एरिया है वहां पे वातंत्र हो गया, और जो जड़ें होती है, यंग रूट्स होती है, उनमें जो होते हैं मूल रोग पाए जाते हैं। तो ये तो बात होगी उसकी संरचनाओं के बारे में। अब बात ये है कि हमने पढ़ा है कि श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, इसको मिटा देती हूँ। श्वसन जब होता है तो मेन काम क्या होता है, श्वसन में जो मेन काम होता है वो होता है भोजन का विघटन और ऊर्जा प्राप्त करना। अब जैसे कि मनुष्य में श्वसन कैसा होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और वो क्या लगती है हमारे एल्वियोलाई के थ्रू पूरी बॉडी में जाती है। कैसे जाती है, हीमोग्लोबिन ले जाता है, और आदान प्रदान जो सर्फेस उसमें कैसा होता है, विसरण द्वारा होता है। ऐसे ही जो पौधे की संरचना है इनमें जो श्वसन होता है ये कौन सी विधि द्वारा होता है, विसरण विधि द्वारा होता है। विसरण विधि द्वारा, विसरण विधि क्या हो गया, मतलब उच्च मात्रा से कोई भी पदार्थ हो सकता है, जब वो क्या होते निम्न मात्रा की ओर क्या होते ट्रैवल करती है तो उसे कहते हैं विसरण। जैसे क्या माना, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है और यहाँ पे पौधे हैं, पौधे के शरीर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, तो ऐसी कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है पौधे के शरीर में चले जाता है। वहीं अगर वायुमंडल में क्या है ऑक्सीजन की मात्रा कम है, लेकिन पौधे के शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा, मात्रा यानी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ये जो होता है वायुमंडल में ऑक्सीजन को छोड़ देता है, यानी उच्च स्तर से जहां पे परसेंटेज ज्यादा है वहां से जहां परसेंटेज कम है उसकी ओर जब जाते हैं, तो इस क्रिया को कहा जाता है विसरण। तो ये हो गया पौधों में श्वसन किस विधि द्वारा होता है, विसरण विधि द्वारा होता है। एक क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है और वो पूछ भी देता है कि कौन से भाग में किस कौन कौन से संरचना होती है जिसमें क्या विसरण होता है। अब आप देखोगे, आपने एक बार सुनी होगी कि घर में अक्सर लोग कहते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, आपने इसका आंसर भी कई जगह पढ़ा होगा कि रात में पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, यही ना। रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो क्या पौधे सिर्फ रात में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, हमें रात में ही क्यों नहीं सोना चाहिए, पौधे दिन में हमारे नुकसानदायक क्यों नहीं है, क्या दिन में नहीं छोड़ते या छोड़ते तो नुकसान नहीं होता है, तो क्या कारण है। जरा सोचते पौधे जो होते हैं सपोषी होते हैं, हमने ये बात पढ़ी थी, कैसे होते हैं, उनमें क्या होता है प्रकाश संश्लेषण होता है। जब पौधों में क्या होता है प्रकाश संश्लेषण होता है, और प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं ये भोजन बनाते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। पौधों में क्या अपना क्या होता है क्लोरोफिल होता है, प्रकाश की प्रजेंस में ये क्या करते हैं यहाँ से भोजन आते हैं। इतनी बात समझ ये प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण हो गया, भोजन बन गया, इस भोजन का मुख्य काम क्या होता है, भोजन देना तो काफी नहीं है, इस भोजन से हमें क्या चाहिए होती है एनर्जी चाहिए होती है, इस भोजन से हमें क्या चाहिए होती ऊर्जा चाहिए होती। अब इस भोजन से हमें ऊर्जा बनानी होती, तो ऊर्जा कैसे बनती, जब क्या होता है श्वसन होता है, तो यहाँ पर पौधे क्या करते हैं श्वसन करते हैं, और इस श्वसन में क्या होता है उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हाँ, यहाँ पे जैसे भोजन बनता है, भोजन के साथ क्या होता है ऑक्सीजन बनती है, ये ऑक्सीजन क्या होती है, जब पौधे क्या करते हैं श्वसन करते हैं, तो इस ऑक्सीजन को पौधे क्या करते हैं श्वसन में यूज कर देते हैं। श्वसन में यूज करने से कारण ये जो भोजन है इसका क्या हो जाता है यहाँ पे विखंडन हो जाता है, और विखंडन के कारण इसमें क्या बनेगी ऊर्जा बनती है, और कुछ क्या बनती है कार्बन डाइऑक्साइड।
दिन का समय है, प्रकाश संश्लेषण पौधे में चलता रहता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर किसमें यूज होगी, प्रकाश संश्लेषण में यूज होगा। प्रकाश संश्लेषण में यूज होने के कारण अब क्या होता है, उसे वायुमंडल में छोड़ने के लिए उसके पास कोई मटेरियल ही नहीं बचता, उसके पास जितना कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है प्रोड्यूस होता है श्वसन के दौरान उतना ही वो अपने प्रकाश संश्लेषण में यूज करे। इसका मतलब क्या है, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है, नहीं निकलती। इसलिए दिन में हम जो पेड़ पौधे के नीचे सोना हमारे लिए क्या होता है, लाभदायक होता है, कोई नुकसान का कारण नहीं होता। अब एक चीज यहाँ पे और आती है, मैंने बोला कि जो पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, उसको अपने श्वसन में यूज कर लेते हैं। फिर वायुमंडल में ऑक्सीजन कहाँ से आती है, एक्चुअली होता क्या है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है ये ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में बनती है। बहुत ज्यादा मात्रा में बनने के लिए जो यूज होती है वो बहुत बहुत थोड़ी सी मात्रा को पौधे क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता के लिए यूज करते हैं, और अधिकांश जो ऑक्सीजन होती है बढ़ जाती है बहुत बड़े अमाउंट में, उसे क्या करते हैं वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से वायुमंडल में ऑक्सीजन चली जाती है। अब ये तो केस हो गया रात को, फिर रात में किस तरह से होता है कि हमें पौधे हमारे लिए क्या होता है, नुकसानदायक बन जाते हैं, वो क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं। होता क्या है, अब यहाँ पे श्वसन हो गया, अब इसको इस तरह से होता है, पौधों ने श्वसन करा, श्वसन से क्या हुआ, भोजन का विखंडन हुआ, विखंडन से क्या बना, ऊर्जा बनी, और साथ में क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ यूज हो रही थी, प्रकाश संश्लेषण में यूज हो रही है, प्रकाश संश्लेषण में इसे यूज होना था, लेकिन संश्लेषण में इसे यूज होना था, लेकिन दिन में रात में क्या है, प्रकाश है ही नहीं, जब प्रकाश नहीं तो प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधे की जो बॉडी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जैसे ही पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो पौधा जो होगा अपने शरीर से क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा, इससे क्या करेगा वायुमंडल में छोड़ देगा। तो इस तरह से रात में प्रकाश संश्लेषण ना होने के कारण उनको क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत ही नहीं होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, साथ में उन्हें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हमें पता क्या बनेगी, ऑक्सीजन बनेगी। जब ऑक्सीजन बनेगी तब क्या करेंगे, उस ऑक्सीजन को श्वसन में यूज करते हैं, लेकिन जब रात में प्रकाश संश्लेषण ही नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन नहीं बनेगा, ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो ये ऑक्सीजन जो है वायुमंडल से लेते हैं, और ऑक्सीजन वायुमंडल से लेने के कारण इनके जो प्लांट होते हैं प्लांट के आसपास के एरिया में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दो कारण, एक तो वायुमंडल से ऑक्सीजन ले रहे हैं, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं छोड़ना, सोना चाहिए। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे हमने पढ़ा, मैंने बताया कि पौधों में क्या होता है, विसरण विधि द्वारा क्या होता है, श्वसन होता है, यानी कि पौधों में जो विसरण हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, विसरण की जो दर है वो किस पे निर्भर कर रही है, वो निर्भर कर रही है पौधे की आवश्यकता पे, है ना, ये दर जो निर्भर कर रही है किस पे निर्भर कर रही है, पौधे की आवश्यकता पर। कैसे, दिन में हम देखते हैं रात्रि क्या होती है, रात्रि हो रही है तो वहां पर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण जब नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन हो रहा है, यही हो रहा है ना, रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हैं, यानी कि उस समय जो विसरण शरीर से अंदर से बाहर विसरण हो रहा है वो किसका हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है। वही अगर दिन की बात करें तो दिन में क्या होता है, ऑक्सीजन का विसरण होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। कैसे, दिन में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता रहता है कंटिन्यू, तो उसकी बॉडी में इतना ज्यादा ऑक्सीजन होता है कि वो उतना यूज ही नहीं कर पाते हैं, तो उसे क्या करते हैं वायुमंडल में छोड़ देते हैं, कि उनकी बॉडी से किस चीज का विसरण हो रहा है, ऑक्सीजन का विसरण हो रहा है, और साथ में ऑक्सीजन का विसरण हो रहा है, और उन्हें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, उनके जो श्वसन होता है, श्वसन में इतना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता कि वो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या प्राप्त हो, व्याप्त हो, इसलिए क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है तो वो वायुमंडल से क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करें, वो अवशोषण कर रहे हैं,
देख रहे हैं किस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब विसरण की जो दर है किस पे डिपेंड हो रही है, पौधे की आवश्यकता पे। यही पे वो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करेंगे और क्या करेंगे, ऑक्सीजन का अवशोषण करेंगे, अवशोषण करेंगे। हम देख रहे हैं कि जो गैस का आदान प्रदान है वो क्या रात्रि और दिन में क्या हो रहा है, अलग अलग टाइप से हो रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है, पौधों में श्वसन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है।